हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा, आप सभी के सामने मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है चंद्रयान मिशन। अभी जो पूरे विश्व में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी भारत ने 14 जुलाई को अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। आज मैं आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ और एज ए इंडियन हमको ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया मैंने और मैं आज आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ। भारत ने अब तक 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च कर चुका है। पहला लॉन्च किया था 2008 में, सेकंड लॉन्च किया था 2019 में और अभी जो थर्ड लॉन्च किया है वो 2023 में। अब वाला जो मिशन लॉन्च किया है वो मिशन 2019 का ही कॉपी है और उसी के टारगेट जो हमारे 2019 में थे कि हमको चंद्रयान पे जाके क्या क्या डिस्कवर करना है, उसी को हमने मद्देनज़र रख के तीसरा लॉन्च किया है। अभी मैं बताना चाहूँगा, इंडिया अगर एक महीने बाद हमारा लैंडर और रोवर है वो चंद्रमा की सतह पहुँच जाएगा और वहाँ पर साउथ पोल पर हमने टारगेट किया है हमारा। अगर भारत ऐसे करना में कन्नम हो जाता है तो भारत पूरी दुनिया में पहला देश होगा ऐसा, क्योंकि अभी तक USA, रसिया और चाइना ने ऐसा किया है जो चंद्रमा पर जाके खोज की है, लेकिन उन कंट्रियों ने इक्वेटर, भूमध्य रेखा और दक्षिणी पोल, नॉर्थ पोल पे ही अपने मिशन को भेजा है। वहाँ पर भेजना थोड़ा इजी है क्योंकि चट्टान, पहाड़, हिल्स वहाँ थोड़े कम हैं, लेकिन भारत ने जो टारगेट किया है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे किया है। तो हमें आशा है कि हमारा मिशन ज़रूर पूरा होगा। और अभी मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत में ये आंध्र प्रदेश हरिकोटा से लॉन्च किया गया है और जहाँ पर हमारा 30 धवन स्पेस सेंटर है और जो हमने लॉन्च किया है वो एजेंसी है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने स्टार्ट किया था। उस टाइम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के 22 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब इंडिया में काफ़ी इशू थे इकोनॉमिकली भी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एरोस्पेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस टाइम पे हमें इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी कम बजट में हमारे इसरो ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और आज हम दुनिया के टॉप 6 एरोस्पेस कंट्रियों में हमारा नाम आता है। और इसके बारे में थोड़ी और बेसिक नॉलेज मैं बताना चाहूँगा आपको, यही है USA, रसिया, चाइना, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने पहले मिशन पूरा कर चुके हैं। लेकिन भारत ने जो मिशन स्टार्ट किया है, भारत का टारगेट क्या है, साउथ पोल पे जाके चंद्रमा पर खोज करनी, वहाँ के मिनरल, पत्थर, स्टोन, सैंड पार्टिकल, और ऐसा माना गया है कि वहाँ पर आइस जमी हुई है और वहाँ पर वाटर के मतलब कुछ बड़े बड़े बकेट या मॉलिक्यूल्स पाए गए थे। अगर इंडिया यह पूरा कामयाब कर लेता है तो हमको पृथ्वी का हमारा उत्थान कैसे हुआ था, पृथ्वी खोज कैसे हुई थी, कैसे उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में हमें और जानने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि मुझे वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में आपकी जो भी राय बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।